मिट्टी की खासियत है कि आज के युग में भी किसी के दरवाजे पे आप जाके बैठोगे तो बड़ा सुंदर कल्चर है उनका, आपको कम से कम खाट और एक चादर जरूर मिलेगी और जो रूखा सूखा बना होगा भोजन मिलेगा, आपको अतिथि मैंने सेवा मिलेगी कि ये कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, आतंकवादी तो नहीं हो। और वहाँ की भाषा, वहाँ के पहनाव, वहाँ के तमाम रस्में, तो इन चीज़ों से खुद भोजपुरी के लोग जो भोजपुरी मिट्टी से दूर आके बस गए, ये दूर हैं, वो उसके नज़दीक नहीं है। तो मैं जब भोजपुरी करता हूँ तो सोचता हूँ कि क्यों ना भोजपुरी के मिट्टी से भोजपुरी वालों को रूबरू कराया जाए कि जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता है तो उसको ये समझ में आए कि भोजपुरी मिट्टी की क्या खासियत है। और भोजपुरी नहीं, मैंने अलग भी भाषाओं की जो भी फिल्में बनाई है तो उस भाषा से जुड़ी हुई हर संस्कृति और सभ्यता को हमने दर्शाने की कोशिश की है। ये हमने नहीं सोचा कि पब्लिक कितना लेगी, हमने ये सोचा कि जो जानकार होगा, समझदार होगा तो इसको ज़रूर पसंद करेगा। तो चलते चलते क्या समाज को, भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके जो नए लोग आ रहे हैं वो चंद कामयाबी के लिए जो है फायदे में के लिए कायदा बिगाड़ दे रहे हैं, डू या थ्री डबल मीनिंग फॉर गाने को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम यही कहना चाहेंगे जो सबसे पहले भोजपुरी के जो मेकर्स हैं, जो गीतों से, फिल्मों से, संगीतों से शामिल हैं, उनसे मैं ये विनती करना चाहूँगा कि भोजपुरी को फूहड़ न बनाए, संस्कृति को न बिगाड़े। और जो दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार खुद से शुरू करो, फूहड़पना को अवॉइड करो, उसको देखना बंद करो, तो फिर वही भोजपुरी फिल्में आएंगी जो कभी नाजिर हुसैन, कभी सुजीत कुमार, गंगा मैया, तोहे पियरी चढ़ई वो लागी नहीं छूटे रामा, जो आज तक विदेशों तक याद किए जाते हैं, ओवरसीज चली हैं भोजपुरी फिल्में। तो एक सफल कदम होगा भोजपुरी संस्कृति के लिए और भोजपुरी के मिट्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एस कुमार, डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर। नमस्कार, मैं अनिल यादव, भोजपुरी विलेन, और आप देख रहे हैं भोजपुरी बातें। आज आप कहाँ पे हैं और कौन सी फिल्म की शूटिंग है और आपका क्या किरदार है? मैं इस समय पनवेल सूर्य फॉर्म स्वप्न नगरी में हूँ और एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका नाम है जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, बहुत अलग किस्म की फिल्म है, कॉमेडी है, पहली बार फुल कॉमेडी फिल्म भोजपुरी में आ रही है और इसके डायरेक्टर हैं एस कुमार, प्रोड्यूसर हैं विकास जी, जो पहली बार इस तरह की एक फिल्म बना रहे हैं और दर्शक जो हैं बहुत अच्छे से इस फिल्म का आनंद उठाएंगे, मनोरंजन करेंगे। मैं इस फिल्म में खतरनाक विलेन कर रहा हूं लेकिन बाद में कॉमेडी भी करता हूं। पहली बार कोई विलेन कॉमेडी सीन में आपको नज़र आएगा, वो अनिल यादव। फिल्म के डायरेक्टर को उससे बात की जाए तो क्या? फिल्म के डायरेक्टर हैं एस कुमार जी, जो टी सीरीज़ में बहुत पहले पूरा गुलशन कुमार जी का टी सीरीज़ संभालते थे, वो अधिकतर जितने भी भोजपुरी के और हिंदी के जो एल्बम बनते थे वो उन्हीं के हाथों से बनते थे और भोजपुरी के 80% स्टार जो हैं वो एस कुमार के हाथों से निकले हैं, जो चाहे वो निरहुआ है या मनोज तिवारी है, खेसारी लाल है, पवन सिंह है, कल्लू अकेला है, और अभी एक और नया स्टार अभी आए हैं वो जिनकी फिल्म बहुत हिट हुई है, चना जोर गरम, प्रमोद प्रेमी, तो अच्छे होनहार डायरेक्टर हैं एस कुमार, और प्रोड्यूसर हैं विकास जी, जिनकी पहली फिल्म है, पहला एक्सपीरियंस है, जो अभी एक बहुत बड़ा चैनल खोलने जा रहे हैं भोजपुरी के लिए, तो भोजपुरी का भविष्य उज्ज्वल है। तो ये नया एक्सपीरियंस क्या कहने थे, नया प्रयोग हुआ है आज तक?
बताया मैंने, बहुत अच्छा प्रयोग है और ये प्रयोग हम 100% सक्सेस होगा, सफल होगा। इसका आनंद पब्लिक को मिलेगा, भरपूर आनंद मिलेगा। ऑडियंस दर्शक हमारे भगवान, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ जो मुझे इतना प्यार मिला भोजपुरी दर्शकों से, और आगे भी मिलता रहेगा यही उम्मीद है। आप देखिएगा फिल्म जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए, और अभी एक और फिल्म लॉन्च होने वाली है दिलबर जानी। इसी के साथ नमस्कार प्रणाम। पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों लोगों को नमस्कार बोलूँगी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा बाइट लेने के लिए आए हैं। मैं नीलम पांडे हूँ और मैं अभी पनवेल के सुरवे फॉर्म नो में हम लोग का शूटिंग चल रहा है एक भोजपुरी फिल्म का, जिसका नाम है जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और इसमें रोमांस कॉमेडी सब आपको देखने को मिलेगा, फुल टू कॉमेडी है। आजकल हंसना कितना ज़रूरी होता है वो चीज़ बेशक आप सब लोग बहुत हंसेंगे इस मूवी को देख के। और हमारे डायरेक्टर साहब एस कुमार जी हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन एंड बहुत मतलब श्योर तरीके से उन्होंने इस फिल्म को शूट किया है। और हमारे प्रोड्यूसर विकास माधवर जी हैं, जो कि बरेली से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतना दूर आके वो अपनी शूटिंग पूरी कर रहे हैं। और उनके हमारे विकास जी बहुत अच्छे हैं। बहुत क्या किरदार है आपका? मैं इसमें एक विडो माँ का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि कल्लू, जो हमारे सुपरस्टार कल्लू जी हैं उनकी मदर का कैरेक्टर है। वो एक ब्यूटी पार्लर वाली है, ब्यूटी पार्लर चलाती है अपने बच्चे के लिए। कितना अलग एक्सपीरियंस मिलता है इस फिल्म से आपको? अच्छा एक्सपीरियंस मिला बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। बहुत सारी हमने भोजपुरी फिल्में की हुई हैं, अबाउट समथिंग 35-40 फिल्में कर ली, बट इसमें अलग तरीके का कैरेक्टर एंड अलग तरीके का एक्सपीरियंस मुझे मिला, मज़ा आया, अच्छा लगा करके। मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी फिल्में की हूँ, छोटे मोटे कैरेक्टर करती रहती हूँ, लेकिन पहली बार इतने स्टार के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला है। और डायरेक्टर सर जो हैं बहुत अच्छे हैं, और बिकॉज जो विकास सर हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, जो फिल्म बना रहे हैं उनका भी नेचर बहुत अच्छा है। और समथिंग जी, क्या किरदार है इसमें? मेरा किरदार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या है कि मैं एक कोठे वाली होती हूँ और वहाँ पे मैं जो आनंद सर हैं वो मुझे कुछ, आजकल तो रिश्वत का खोर का ज़माना चल गया है, उन्होंने मेरे को रिश्वत दिया है अपने, उनका जो बेटी हैं उनसे जो प्यार करते हैं, उनका नाम अरविंद अकेला, उनको उठवाने के लिए। और मैंने उनको 10 लाख रुपए मांगा है और उन्होंने मुझे दिया भी है और मुझसे छुट के भाग भी गए हैं। और इसमें मतलब बहुत सारा अच्छा कैरेक्टर है मेरा। काफ़ी एंजॉय किया आपने इसमें? जी सर, मैंने इसमें बहुत एंजॉय किया है, और बिकॉज वैसे भी मैंने एंजॉय किया है अपने कैरेक्टर के बाहर भी। यहाँ पे पहली बार इधर मेरा शूट हुआ पनवेल में, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बरेली से अलग मुंबई कितना आपको अच्छा लगा? मुझे सर बहुत अच्छा लगा है। ऑडियंस क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर के और अपने किरदार को लेकर के? सर अब ऑडियंस तो बहुत ही अच्छा कहेगी, क्योंकि मैं एक नए, वैसे तो मैं भाभी का कैरेक्टर या बुआ का या बड़ी दीदी का करती हूँ, लेकिन इसमें एक अलग ही मेरा कैरेक्टर है जो सबको पसंद आएगा, और अपने हिसाब से तो मैंने बहुत अच्छा किया है। जगह पे है जहाँ की नेटवर्क भी नहीं है और आप शूटिंग कर रहे हैं जी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं अरविंद कला कर लूँ सादर प्रणाम करता हूँ, और
आज हम लोग मुंबई से दूर पनवेल में हैं अपनी न्यू फिल्म जवानी की रील के छूट में जाएगी शूटिंग पे। और ये अच्छा है कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो हम लोग काम पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसा ज़माना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया है डिजिटल इंडिया, हमेशा लोग नेट में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो ओनली काम पे फोकस है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो खुशी है और थोड़ा सा दुखी भी है मन की मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो अच्छा काम हो रहा है। खुश किस बात से है? खुश यही है कि सभी लोग काम पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि काम ही हम लोग को आज, हम लोग जो भी हैं भोजपुरी या बॉलीवुड में जितने आर्टिस्ट हैं सब लोग काम के बदौलत यहाँ पे हैं। आज हमें पब्लिक लाइक करती है तो काम के बदौलत लाइक करती है, तो हम लोग लगे हुए काम कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग जैसे कि फाइव पॉइंट बरेली में हुआ है, तो बरेली के बर्फी मशहूर है, झुमका गाना भी है, और फिर अभी मुंबई पनवेल में कर रहे हैं, तो दो शेड्यूल में क्या है, शेड्यूल में क्या चाहेंगे? इसका फर्स्ट शेड्यूल बरेली में हम लोग किए थे, इसके जो प्रोड्यूसर हैं बरेली के हैं, तो बहुत अच्छी शूटिंग हुई वहाँ पे, और कुछ कारण से कुछ काम बच गया था तो हमारे सर बोले कि पनवेल में करेंगे। बरेली में फर्स्ट टाइम भोजपुरी फिल्म का शूटिंग मैंने किया, हो सकता है इसके पहले हुआ हो, लेकिन मैंने सुना कि नहीं, अभी तक लखनऊ में लोग किए हैं, इलाहाबाद में किए हैं, लेकिन बरेली में अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है। तो फर्स्ट टाइम बरेली में शूटिंग की है भोजपुरी का, वहाँ पे कुछ ज़्यादा तो लोग समझने वाला है नहीं, लेकिन ऐसा हमारा भाषा है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप को भोजपुरिया बना लेते हैं, तो अच्छा लगा। बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, बहुत कोऑपरेट किए, शूटिंग चलता था तो बहुत सारी भीड़ होती थी, लेकिन बहुत कोऑपरेट किए, काम में कोई परेशानी नहीं हुई। बरेली से क्या याद है, आते करके आए हैं? बरेली से ही है कि वहाँ की बर्फी मशहूर है, और झुमका कहाँ गिरा था अभी तक हम भी ढूंढ के हार गए, झुमका हमको भी नहीं मिला, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जाए तो झुमका खोज के आप लोग के सामने लाएँ। फिल्म की बात करें तो इसमें आपकी हीरोइन कौन है और आपका रोल क्या है इसमें? इस फिल्म में हमारे अपोजिट तनुश्री जी हैं, जो कि बहुत सारे फिल्मों में मेरे साथ आ चुके हैं और काफ़ी लोग लाइक भी करते हैं। तो इस फिल्म का कहानी है, इस हर फिल्म में कुछ ना कुछ संदेश होता है, तो इस फिल्म में हम लोग कुछ मैसेज देंगे, और हर तरह की कहानी है, कॉमेडी भी है, लव रोमांस, एक्शन, सब कुछ भरपूर है। कहानी स्टोरी मैं नहीं बता सकता, आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, और इसके लिए जब भी हमारी फिल्म रिलीज होगी सिनेमा हॉल में जाके आप लोग जरूर देखिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? फिल्म के डायरेक्टर हैं यश कुमार जी, उनका काफ़ी नाम है, मैंने इस फिल्म करने से पहले बहुत उनका नाम सुना है, और एक बात ये भी है कि वो हमारे गांव के बहुत बाजू के, यानी कि बहुत नज़दीक के हैं, इस इंडस्ट्री में सबसे नज़दीकी वहीं हैं, हमारा गांव और उनका गांव एक दो किलोमीटर के था पे, लेकिन साथ में हम लोग काम नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम हमने काम किया। सुना था कि वो बहुत बड़े बड़े कंपनियों में टी सीरीज में से वीडियो एल्बम किया है, फिल्म किया है, हिंदी फिल्म भी कुछ किए हैं, तो फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किया और बहुत अच्छा लगा। आज तो हमारी फिल्म कंप्लीट भी हो गई, कुछ सीन बाकी है, तो अच्छी फिल्म बनी है, और प्रोड्यूसर हैं विकास जी, जो कि बरेली से बिलोंग करते हैं, वो भोजपुरी भाषी नहीं है, लेकिन की सोच है कि आज हमारी भोजपुरी लैंग्वेज देश में नहीं पूरे विदेशों में बोली जा रही है, तो और इसको वो अपने तरीके से चाहते हैं कि और इसका विकास किया जाए, तो हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, और उम्मीद है कि जो वो सोचे हैं कि भोजपुरी को आगे ले जाना है तो और लोग पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी लोगों को, जो आप लोग और इतना प्यार नहीं चाहिए और प्यार चाहिए, तो वे म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच आवारा बलम का ट्रेलर और दो सॉन्ग रिलीज हो चुका है। यहाँ पे नेटवर्क नहीं है कि कितना क्या अपडेट हुआ मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि दो सॉन्ग रिलीज हो चुका है, तो आप लोग प्लीज़ ट्रेलर देखिए और सॉन्ग को सुनिए, और जब भी हमारी फिल्म रिलीज हो तो आप लोग सिनेमा घरों में जाके जरूर देखिए। ये कंप्लेन है पूरी इंडस्ट्री की कि आप लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे हैं, सभी लोग मोबाइल से सिनेमा देख ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग से निहोरा बा कि जब भी हमारे ही ना भोजपुरी के कोनों भी फिल्म लगे, हम जानते नहीं बॉलीवुड के फिल्म लगे तो आप लोग जान लो, तो भोजपुरी के जौन भी सिनेमा लागो आप लोग जाके वो फिल्म के सिनेमा घर में देखी लो, सिनेमा घर में जाए लोग तो और भी हमने के और अच्छा अच्छा फिल्म बनाए लो। और आज आपकी फिल्म रिलीज हुई है मुंबई में, जैसे रिपोर्ट आई है कि सिनेमा पब्लिक काफ़ी पसंद कर रही है, काफ़ी सारा पिक्चर देख रहे हैं, क्या कहना? आज
से हमारी फिल्म सरकारी लोग खटिया जाने लगे। बॉम्बे और गुजरात में रिलीज हुई है, तो सभी से निवेदन है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है पराग पाटिल जी ने, फुल कॉमेडी, और उसमें आप लोगों को दो तीन अवतार मेरे देखने को मिलेंगे। उस फिल्म में मैंने लड़की का भी गेटअप निभाया है, जैसे गोविंदा जी ने एंट्री नंबर वन में किया था, तो कोशिश है थोड़ा बहुत कि मैं भी हल्का फुल्का अपने दर्शकों को एंटरटेन कर पाऊँ। तो मैंने पूरा मेहनत किया है, और मैंने नहीं, पूरी सरकारी लोग खट्टे जाने लगे कि पूरी टीम ने मेहनत की है, और उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोग जब भी सिनेमा हॉल में जाएंगे तो इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने नज़दीकी सिनेमाघर में, बॉम्बे गुजरात की जितनी भी ऑडियंस है, आप लोग जाके हमारी फिल्म को जरूर देखें। थैंक यू। जरूर, उसमें हर प्रकार के सॉन्ग हैं, हर टाइप के गीते लोग बोलते हैं। लोग क्या, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं मेरा नाम लेके खास कर रही, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में छोटे से उम्र से ही आ गया, तो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता फैलाने में मेरा ज़्यादा हाथ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं हर प्रकार का गीत गाता हूँ, और उतना भी अश्लील नहीं गाता हूँ जिससे भोजपुरी भाषा बदनाम हो। हमारी आवारा बल्लम में सारे सॉन्ग ऐसे हैं कि आप परिवार के साथ सुन सकते हैं। थोड़ी मिर्च मसाला जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस जो हमारी पब्लिक है मेहनत करके जाती है, मेहनत का पैसा होता है, तो वो चाहती है कि हम 2-2.5 घंटे एंजॉय करें। तो उसमें हर टाइप के सॉन्ग है, रोमांटिक सैड, तो पहले मैं रोमांटिक वाला सुना देना चाहता हूँ आप सभी को। तनुश्री जी को देख के मैं गाया हूँ। हर गुर गुर गलिया चुम कन बलिया, गुर गुर गलिया चुम कन बलिया, की जान मारे साचो ए गोरी लाल किरेटी कुलिया, की जान मारे साचो ए गोरी लाल किरेटी कुलिया। थैंक यू। सैड सॉन्ग भी है, और लेकिन एक सॉन्ग उसमें बहुत ही आजकल लोग पसंद भी कर रहे, जैसे कि रिलीज हुआ तो काफ़ी लोगों ने लाइक किया, और जैसे कि मुझे मालूम चला सारे युवाओं को बहुत पसंद आ रही है। वैसे हर सज के सवर के दिला के घर में डलले बाड़ू डाका, बन कन्फ्यूज तन कर कन फरम बात कह तू पाका, अब पिन्हले तू सूट सलवार बाड़ू हो मेहरड बाड़ू कि कुमार बाड़ू हो, पिन्हले तू सूट सलवार बाड़ू हो मेहरड बाड़ू कि कुमार बाड़ू हो। तो सैड सॉन्ग आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सुनाएंगे। थैंक यू। अपना परिचय बताइए और आज हम कहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। मेरा नाम विकास माधवर है, मैं निर्माता हूँ इस मूवी का, जिसका नाम है जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए। हम लोग सब नगरी पनवेल में शूट कर रहे हैं, आज सारा शूट कंप्लीट हो गया है और ये मूवी समाप्त हो गई है। तो पहला शूट शेड्यूल बरेली में आपने किया, सेकंड यहाँ किया, तो खास कारण क्या रहा बरेली का? सर, हम खुद बरेली के हैं, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका क्षेत्र आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि बरेली में कोई पहली बार शूट हो रहा है, बहुत सारी हिंदी पिक्चरें बरेली में शूट हुई हैं, क्योंकि हम भोजपुरी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें भी अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसलिए पहला शेड्यूल हमने वहाँ लगाया, किसी इमरजेंसी की वजह से हम लोगों को दूसरा शेड्यूल लगाना लग पड़ा, उसके लिए फिर हम लोग सेकेंड लोकेशन पनवेल को चूज़ करा। तो यहाँ पे कितना जो है अलग गांव का फील आ रहा है क्या हमें? ये तो ऑब्वियस है कि एक नेचुरल गांव और एक बनाए हुए गांव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन गांव की सारी सुविधाएं जो गांव में होता है, जो दिखता है, वो सब कुछ यहां अवेलेबल है। फिल्म के बारे में बात की जाए तो फिल्म के स्टार कास्ट, डायरेक्टर और बाकी चीज़ें बताना चाहेंगे? इफ ये फिल्म जवानी के रेल कहीं छूट ना जाए एक बहुत ही पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। इसके मुख्य कलाकार अरविंद अकेला और कल्लू जी हैं। मुख्य अभिनेत्री जो है तनुश्री चटर्जी हैं। वंशिका जी जो कि हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने इसमें एक रैप सॉन्ग करा है। इसके अलावा आनंद मोहन जी हैं, नीलम पांडे जी हैं, अनीता जी हैं, तो सभी कलाकार अच्छे नामी भोजपुरी परिवार के लोग हैं सारे। सर, आपने बरेली रहने वाले, बरेली के हैं, फिल्म भोजपुरी है, बरेली दूर दूर तक वेस्ट यूपी में भोजपुरी का कोई निशान नहीं होता है, तो मतलब कैसे इंटरेस्ट लिया आपने? ऐसा नहीं सर, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे पिताजी सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी ही देखते हैं। अगर हम जैसे हम प्रेमनगर में रहते हैं, तो प्रेमनगर में ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन भोजपुरी देखती है। तो जब लोग घर पर भी डिस्कस करें, तो मेरे पिताजी के घर में पहले भोजपुरी से स्टार्ट करते हो, उसके बाद फिर बॉलीवुड में जाओ, तो ठीक है जी, पहले भोजपुरी से फिर स्टार्ट करते हैं।
नहीं, मेरा भोजपुरी में ये पहली मूवी है फिलहाल। मैंने अभी भोजपुरी में पहला काम जो ये मैंने कल रैप सॉन्ग किया है, उसके अलावा मैंने भोजपुरी में काम नहीं किया है। जी, तो भोजपुरी को लेकर क्या कहना है, जब तक आपका जो सफर रहा है फिल्म में करियर का, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा था। यहाँ पे हिंदी इंडस्ट्री से भोजपुरी इंडस्ट्री में आना यहाँ का कुछ बहुत डिफरेंट है, और भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी है। रैप सॉन्ग में कैसा एक्सपीरियंस था आपका? रैप सॉन्ग में मेरा काफ़ी, कल्लू जी के साथ मेरा रैप सॉन्ग था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। विकास जी, जो फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छे इंसान है बहुत जेन्युइन है और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। जी, विकास जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से, कोई मैसेज फिल्म को देखने वालों? सर, मैसेज तो हम कहेंगे सिर्फ यही मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग एक साथ पिक्चर को देखें, और हर पिक्चर में कुछ ना कुछ नया होता है। इस पिक्चर में हमने बहुत सारे प्रयोग करे हैं, तो अभी तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या प्रयोग है। मैं चाहता हूँ कि लोग जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दुलार हम लोग को दे सकते हैं वो दें। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे इस? मेरे जो ऑडियंस देख लेंगे तो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश हुई, क्योंकि भोजपुरी के अभी करंट सिनेरियो में जो मूवीज आ रही हैं उनमें हम देखते हैं बहुत ही कम पिक्चर जो परिवार बैठ के देख सकते हैं। इस पिक्चर में पूरा पूरा परिवार जा सकता है, सभी तरीके के गाने इसमें गए हैं, चाहे सैड सॉन्ग हो, रोमांटिक हो, कॉमेडी हो, रैप हो, हमने बहुत सारा अच्छा मिक्सचर किया, बहुत सारे ट्विस्ट हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी है। बरेली में देखने को मिले लोगों को? हाँ जी, इसका एक वर्जन जो है वो बरेली की लैंग्वेज में रहेगा और एक साथ ही रिलीज होगा। ये तो ऑब्वियस है कि जब जहाँ शूट हो रही है वहाँ पर लोगों को देखने को ना मिले तो फिर क्या फायदा, तो सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। डायरेक्टर एस कुमार जी बहुत ही पुराने, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। अगर मैं उनके अनुभव की बात करूँ तो 35 से 37 साल का उनका अनुभव होगा। आपको अगर ध्यान हो अर्ली 90s में जब गुलशन कुमार जी ने हिंदी इंडस्ट्री में पॉप की शुरुआत की थी, तब से वो उनके साथ थे। बहुत सारी पिक्चरें उन्होंने भोजपुरी, हिंदी, सभी तरह की पिक्चरें बनाई हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा उनके साथ, बहुत कुछ उनसे सीखने को भी मिला। ऊपर खड़ी बस। पहले तो हमार सब भोजपुरिया दर्शक लोग, श्रोता लोग के प्रणाम बाटे, और हमने के आज बानी सा जवानी की रेल कहीं छूट न जाए फिल्म के शूटिंग में पनवेल में, जौन बम्बई से कुछ दूरी पर बाटे, और बहुत ही बढ़िया फिल्म बन रहल बाटे। एकर पहला शेड्यूल जौन बा हमनी के बरेली में कैले रहनी जा। तो और एगो चीज़ हम रुआ के बता दी कि हमारे प्रोड्यूसर जौन बाड़े विकास जी, तो प्रोड्यूसर चूँकि नन भोजपुरी बाड़े, भोजपुरी भाषी नहीं खन, लेकिन तब भी भोजपुरी फिल्म बनावे के हिम्मत जुटौले बाड़े और बहुत अच्छा से निभा रहल बाड़े, एक खातिर उनका के बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा कि एक डायरेक्टर जोन बाड़े एस कुमार जी, उनका काफ़ी अनुभव बाटे, चूँकि 20 साल पहले से वो टी सीरीज में कार्यरत रहे, तो गुलशन जी के समय में भी काफ़ी उनका काम करे के मौका मिल बा, उनका साथ में भी और टी सीरीज में भी हजारों एल्बम और टी सीरीज के फिल्म में उनका काम करे के मौका मिलल बा, और भी भोजपुरी फिल्म बाड़ी से, बंगला फिल्म बाड़ी से, नेपाली फिल्म बा, जिनमें काफ़ी अनुभव प्राप्त हुआ उनका, तो आज उनका साथ भी काम करे के मौका मिल रहा बाटे। और हमरु वालों के बता दी कि एकर हीरो बाड़े कल्लू जी, उनका के तो खैर उन नाम के मोहताज नहीं खन और पहचान के मोहताज नहीं खन, कल्लू जी अपना आप में एगो सुपर स्टार बाड़े, और तनुश्री दत्त, तनुश्री जी ओकर हीरोइन बाड़ी, और बाकी अनिल यादव जी और नीलम पांडे जी, बहुत लोग जन बाटे, उम्दा कलाकार लोग बाटे में, और बहुत ही अच्छा फिल्म बन रहा बाटे। का किरदार बा इसमें आप? हमार किरदार में बाटे, रुआ लोग तो जानते बानी हमार किरदार का रहेला, मनोरंजन के बाटे, हम दरअसल हीरोइन के बाप बनिए में, और एगो बड़ा ही अलग एगो एकर मामला बा जौन की हम बतावे के ना चाहते नहीं, लेकिन रुआ लोग से बता देते नहीं। रुआ लोग आज ले कोनो फिल्म में, बहुत कम सिनेमा में देखले हो खब कि हीरोइन के बाप है ना, हीरोइन के बाप हीरो के माई पर लाइन मारत हो खो,
बहुत कम फिल्म में आवेला ए फिल्म में बाटे सुन के हंसी आवता बाटे बड़ा ही अच्छा तालमेल बाटे हालांकि अश्लीलता नहीं खे इरुवा लोग से हम बता दी कि सब कुछ के बावजूद अश्लीलता नहीं खे और ई अच्छा बात बाटे है ना। और हमनी के कोशिश आजकल रहता कि मने कम अश्लीलता वाला फिल्म कल जाओ ऐसे बहुत अश्लील फिल्म में आदमी दिलचस्पी भी नहीं खेलत और आदमी काम भी नहीं करत वैसे ही जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बहुत ही बढ़िया फिल्म बाटे अब तो अबे करी रुआ लोग देखबे करब और ये सब बाटे। अपन लाइफ के जवानी की रेल के बारे में कुछ बतावे चाहे हमरा लाइफ के जवानी की रेल तो अभी चलते बाटे रुआ लोग देखते बानी हर एक हफ्ता देख रहल बानी अपन जौन चैनल बाटे आनंद मोहन ओल्ड इज गोल्ड तो ओकरा माध्यम से भी बड़ा ही स्वच्छ सेवा करे के मौका मिल रहल बा और ये गो बड़ा मने हमार सौभाग्य बाटे कि हम जौन ये चैनल के माध्यम से अपना चैनल के माध्यम से सेवा कर रहल बानी तो एमे स्वच्छता बाटे एमे अश्लीलता के एक पॉइंट भी गुंजाइश नहीं के और देहात से लेके और कई देश में लोग बड़ा ही आनंद उठावता ये खातिर सब लोग के धन्यवाद और हम सौभाग्यशाली बानी ऐसे ही आशीर्वाद बनल रहो कि हम सेवा करत रही। एक आनंद मोहन के जो वर्जनालिटी पहचान बाटे वो अंदाज में कुछ हो जाओ ए बेटा अब आनंद मोहन के का अंदाज बाटे देखी हमरा बोलते कुकुर बोले लगल होने हमरा बोलते कुकुर बोले लगता बताई आदमी तो आदमी है अब हम का बोली बाबू हम तब यही में फेरा में बानी में सब लोग के प्रणाम बा बूढ़वा प्रणाम एक कहला वो पहल का जवान प्रोग्राम प्रणाम रहे यह बाटे और बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद रुवलु के।